साउथ दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी अपनी, सुरक्षा अपनों की। जी हाँ, आज हम जो आपको बताने वाले हैं अक्सर वो चीजें आपको टीवी में देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो रियल है। यहाँ पर अर्जुन नगर के सफदरजंग एनक्लेव में हाथों में चाकू लेकर एक महिला सफदरजंग एनक्लेव थाना इलाके के एक घर में जा घुसी और घर पर जाकर बैल को बजाया। इतना ही नहीं, घर का गेट खुलने के बाद महिला ने घर से 9 महीने के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। विरोध करने पर बच्ची की दादी पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में अपने आप को घिरा देखकर जब आरोपी महिला चाकू को अपने पर्स में रखकर भागने का प्रयास करने लगी तो वहां पर मौजूद लोगों ने उसे धर दबोचा। आपके यहाँ जो घटना हुई, इस तरह की घटना कभी आप आसपास में भी कभी सुने थे आपने? नहीं, कभी नहीं सुनी और ना हम अपनी फैमिली के लिए ऐसा एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी फैमिली हमारी। जी जी, कभी ऐसा कुछ किया नहीं, मेहनत से काम करते हैं, रोटी खाते हैं। फिलहाल बच्चा चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है और जांच कर रही है, लेकिन जांच के दौरान जो चीजें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। दरअसल पुलिस सूत्रों की माने तो ये महिला साकेत की रहने वाली है और खुद का इसका निजी प्ले स्कूल है। अच्छे घर की रहने वाली है तो फिर भी इसको क्या जरूरत पड़ी बच्चा चुराने की, ये बात हर किसी को हैरान कर रही है। फिलहाल इस घटना को देखते हुए सभी को जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की, अपनी और अपनों की रक्षा करने की। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट।